मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां एक तरफ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जनपदीय नेताओं के पसीने भी छूटे दिखाई दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद के पार्टी के नेता एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। 26 मई के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए और कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए जहां जिला प्रशासन एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगातार दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जनपदीय कद्दावर नेता भी चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व विधायक अशोक चौहान समेत जनपद के तमाम ऐसे बड़े नेता जो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, सभी नेता एक दिन पूर्व से ही कार्यक्रम स्थल पर डेरा जमाए हुए हैं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का पूरी तरीके से जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कहीं भी कोई कमी है उसको सुधार करने में भी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक अशोक चौहान समेत अन्य नेताओं ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी का दौरा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों लोग कल पधार रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की नव निर्मित प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है, एक जनसभा भी है। तैयारियां सब चाक चौबंद हैं, जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां की हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन आम जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। कल लगभग 25,000 के आसपास लोग आने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, इनसे बड़ा वीआईपी कौन? मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण भी आ रहे हैं, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य जी और भारतीय जनता पार्टी जिनमें उनकी आस्था है, उनके प्रति सम्मान। लगभग 10 बजे ये लोग सब आ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी। 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। कोई बहुत गर्मी की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम, बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है। आप सब देख ही रहे हैं, गर्मी बहुत